हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। चलिए आज हम एंथ्रोपोलॉजी की जो एक हम ओरिजिन डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे उसके लास्ट पार्ट जो हम उसका क्रिटिकल फेज जिसको हम 1900 ऑनवर्ड्स भी बोलते हैं उसमें हम समझेंगे उसमें क्या क्या डिस्कवरीज हुई और उसमें एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या क्या हुआ हम उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब भी हम इसमें क्रिटिकल पीरियड की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई जो ऐसे एंथ्रोपोलॉजी को काफ़ी एक अच्छा मोड पे रही, एक नया डायमेंशन भी खोला। जैसे हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी को हम बोलते हैं कि इसी टाइम पे लिवरपूल में स्टार्ट भी हुई, हमें देखने को मिला और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ से एक डेवलपमेंट फेज भी चालू हुआ जो सोसाइटी के लिए काफ़ी न्यू था। क्योंकि जब हमने जब अपने इनिशियल तीनों सीरीज को पढ़ा तो हमें समझ आया कि सोसाइटी जो है हर कंपोनेंट हर पर्सपेक्टिव के लिए को हमें अगर वो सब इंटरकनेक्ट करना हमें बता रही है और हमें चीज़ें बता पा रही है कि सोसाइटी किस तरह से बन रही है, उसमें उसके एवोल्यूशन के प्रोसेस में उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से वो इस प्रवृत्ति या इस लेवल पे जा रही है या इस तरह की फॉर्मेशन को पा रही है। तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें आगे जाके इसकी बहुत सारी को उसको गहराई से भी समझेंगे। तो दोस्तों सोशल एंथ्रोपोलॉजी उस समय लिवरपूल के एरिया से स्टार्ट हुई, हमने देखा और जिसको शुरू किया था सर जेम्स फ्रेजर ने। अब ये काफ़ी बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम आगे इनकी रिसर्च और इनकी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे भी। वैसे दोस्तों जब इंडिया के 1900 ऑनवर्ड्स हम देखा था कि इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के थ्रू जो इंग्लिश एजुकेशन भी आ रही थी तो उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को यहाँ पे ऐसा स्टार्टिंग में फेजेस में भी लाए। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इन्होंने सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच उसमें स्टार्ट की। फिर दोस्तों सोशल एंथ्रोपोलॉजी को जो है इन्होंने इसको शुरू किया डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में जो कहाँ थी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर पहली बार हमने देखा कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी सिस्टम इंडिया में भी कहीं ना कहीं 1900 ऑनवर्ड्स के बाद स्टार्ट होने लग गई थी, जिसको लेके हमने सोसाइटी जैसे हमारी सोसाइटी में रिसर्चेज या हमारी सोसाइटी को समझने पे काफ़ी ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट में आए भी और बाहर से भी हुए और कुछ इंडियंस ने भी किया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें हम बोलते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी के इस वाले फेस हो गया जो क्रिटिकल फेस हो गया इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों थॉट्स जैसे मैलिनोस्की का फंक्शनलिज्म का थॉट आया था, उनके थॉट्स थे जो इनके वो थे। दूसरा डिफ्यूजन स्कूल, दोस्तों हम डिफ्यूजन के बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि डिफ्यूजन दो कल्चरेट के बीच में क्या काम करता है, डिफ्यूजन कैसे होता है। वैसे दोस्तों जो मैलिनोस्की का फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी है उसको हम जानेंगे कि उसमें कल्चर का बहुत बड़ा वो था, उन्होंने कल्चर को काफ़ी बड़ा वो माना एक्सपेक्ट माना सोसाइटी के एवोल्यूशन के। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो उनमें हम ये बात जानेंगे। दोस्तों कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल्स के बारे में हमने जाना, हमने दोस्तों ये भी देखा कि काफ़ी सारे उस टाइम पे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि मार्गरेट मीड हो गई, एल क्रोबर हो गए, रूथ बेनेडिक्ट हो गए, इन लोगों ने वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी के लिए काफ़ी बड़े बड़े योगदान दिए। क्योंकि उस समय 1900 ऑनवर्ड्स के बाद रिसर्चेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चेस को और अच्छे वे में रिसर्च कर पाए, जिससे की वजह से एक नई सोसाइटी एक नया हिस्टोरिकल एक नई हिस्ट्री डेवलप हुई जो हमें हमारे कल्चर या हमारे एवोल्यूशन को समझने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रही। दोस्तों आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।